Hi everyone, my name is Prarthana and welcome to you all on our excellence family. So guys, आज के इस लेसन में आप ये जानोगे कि for, during और while को कैसे इस्तेमाल करते हैं as a preposition. You know guys, आप लोग जानते हो कि ये preposition का work करते हैं, है ना? तो guys, आज आप ये सीखने वाले हो कि तीनों में difference क्या होता है और इनके इस्तेमाल क्या क्या होते हैं. तो चलिए guys, बिना देरी किए हम क्या करते हैं, वीडियो की करते हैं शुरुआत. और फर्स्ट हम बात करेंगे फॉर के बारे में. फॉर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, है ना. इसको क्लियर करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि जैसे हम इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं. जैसे कि वी लर्न इंग्लिश फॉर 3 आवर्स. ये आपको पता है कि जब एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, जैसे कि 3 आवर्स, हमें पता नहीं है कि ये 3 आवर्स कौन से हैं, तभी हमने लगाया 4. वैसे ही नेक्स्ट आप देख सकते हो कि आई एम गोइंग टू इजिप्ट फॉर 3 ईयर्स. मतलब मैं जा रहा हूँ इजिप्ट कितने के लिए, मतलब कितने टाइम के लिए, 2 सालों के लिए. तो ये 2 साल भी क्या नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है. ओके, वैसे ही नेक्स्ट, जैसे कि अभी हम लोग बात करते हैं ही इज़ कमिंग टू माई हाउस फॉर 2 मंथ्स. वो मेरे घर पे आ रहा है 2 महीने के लिए. हमें फिर से यहाँ नहीं मालूम है कि टाइम, जैसे कि मंथ है, तो अभी मंथ कौन सा है हमें नहीं पता है, इसलिए गाइज हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, 4. वैसे ही नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं कि दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स. वे लोग 2 घंटे से क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं. अब इन सारे एग्जाम्पल्स में गाइज क्या हुआ, हमने सिंपली ये सीखा कि जब कोई पीरियड ऑफ टाइम आता है बट वो टाइम है ना हम एग्जैक्ट तरीके से बता नहीं पा रहे, तब ऐसी सिचुएशन में फोर यूज़ हुआ. पहला इस्तेमाल तो फोर का ये था. सेकंड, जैसे कि फोर के इस्तेमाल में हम लोग कुल मिला के क्या करते हैं, यही इस्तेमाल हम करते हैं. इसका और पोर्शन हम नहीं सीख सकते क्योंकि और कॉन्सेप्ट इसके नहीं होते हैं. तो फोर वही बात होती है कि ईयर्स एग्जैक्ट ना हो, मंथ एग्जैक्ट ना हो, कोई आर्स हम लोग बता रहे हैं वो एग्जैक्ट ना हो, तब हम लोग फोर लगाते हैं. वैसे ही सिंपली अगर हम देखें ड्यूरिंग का इस्तेमाल, तो ड्यूरिंग किस वक्त पर, किस टाइम पर हम लोग बताते हैं, इसको सीखते हैं. सबसे फर्स्ट गाइज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समथिंग हैपन्स. क्या बोला, समथिंग happens. इसका सिमिलरली बहुत आसान सा ये मीनिंग है कि जब कोई घटना घटित होती है तब हम लोग ड्यूरिंग लगाते हैं. अब एग्जाम्पल्स के थ्रू ये समझते हैं कि ऐसा होता कैसे. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल वी मूव ऑन, या जैसे कि एवरीबडी वॉज स्पोकन ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन. आपको ये मालूम है कि प्रीपोजिशन जब हम लगाते हैं तो उसके जस्ट बाद हम लोग एक नाउन वर्ड इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर ये जो सेलिब्रेशन है ये क्या है, एक नाउन है. आप जानते हो कि नाउन क्या होता है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये जज कर सकते हैं इजीली कि नाउन है. जैसे मैक्सिमम कुछ अभी जो कंडीशन आई है इसके ऊपर बात करती हूँ कि जैसे कि यदि हमारे पास TION साउंड आता है लास्ट में तो वो 101% श्योर क्या होता है, वो नाउन होता है. आपको कुछ समझना ही नहीं है, आपको ये देखना है TION आ रहा है तो वो नाउन है. और अनादर केसेस में भी नाउन को जज किया जाता है. तो जैसे कि एवरीबडी वॉज स्पोकन ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, सभी लोग है ना सेलिब्रेशन के वक्त है ना बोल रहे थे, बातचीत कर रहे थे. यू नो गाइस, जब पार्टी या गैदरिंग वगैरह होती है तभी क्या होता है, बहुत सारे लोग जमा होते हैं और लोग जमा होते हैं तो बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होता है. तो वैसे ही कुछ घटना घटित हुई उस सेंस में हम लोगों ने यूज़ किया ड्यूरिंग. वैसे ही नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, यू मस्ट हैव अ लुक. आई वेंट आउटसाइड, मैं बाहर गई ड्यूरिंग द कर्फ्यू, कर्फ्यू के वक्त. तो अभी ड्यूरिंग के बाद हमने द कर्फ्यू यूज़ किया है तो वो कर्फ्यू क्या है, वो एक नाउन है. एंड आई विजिटेड फॉर 3 आवर्स. देखो इसमें आपने लगाया कि मैं बाहर गई कर्फ्यू के दौरान, हिंदी में ऐसे सेंस आएगा. और आई विजिटेड फॉर 3 आवर्स, और मैंने विजिट किया 3 घंटे के लिए, तो इस सिचुएशन में फोर का भी इस्तेमाल हुआ और ड्यूरिंग का भी इस्तेमाल हुआ. अब गाइज आपको अच्छे से क्लियर करना आया कि फोर यहाँ क्यों लगा. फोर भी एक क्या है, प्रीपोजिशन है ना.
टाइम बता दिया 3 आवर, ये भी एक नाउन है. ओके, 3 आवर्स क्लियर नहीं थे इसलिए 4 का इस्तेमाल किया, यू नो. एंड देन ड्यूरिंग वाली सिचुएशन भी समझ आए कि यहाँ पे क्या हुआ, मैं बाहर गई जब कर्फ्यू लगा हुआ था. तो दो चीज़, मतलब दो घटना घटित हुई, एक तो मैं बाहर निकली और क्या सिचुएशन रहा, कर्फ्यू का. ऐसे सेंस में हम लोग एक तो ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं. और गाइज हम लोग देखते हैं वाइल का इस्तेमाल. क्लियर? तो ड्यूरिंग के इस्तेमाल में एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अच्छे से कवर कर सकते हो गाइस, इसीलिए एग्जाम्पल्स पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा सो दैट आप इन प्रीपोजिशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाए. अभी लास्ट बचता है वाइल. वाइल का इस्तेमाल कैसे और कब करते हैं उसको सीखते हैं. सो फर्स्ट कंडीशन व्हाट, टू थिंग्स हैपन्स एट द सेम टाइम. ठीक है, ड्यूरिंग वाले सेंस में वो जो घटना थी वो सेम टाइम पे नहीं घट सकती, लेकिन इसमें जब हम लोग वाइल का इस्तेमाल करते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा होगा, या हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, यू नो, टू थिंग्स हैपन्स एट द सेम टाइम, दो घटना होती है उसी वक्त, तभी हम लोग वाइल का इस्तेमाल करते हैं. ड्यूरिंग के सेंस में ये ज़रूरी नहीं है गाइज कि वो दोनों काम साथ हो. आप अपना बताते हो स्टेट कि आपने ये किया, उसके बाद आपने वो किया, ऐसे में हमने ड्यूरिंग लगाया. इधर क्या होता है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे नॉर्मली आपको पता है कि क्या करते हैं, वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. अब ये कैसे करना है वो आप देखो. अब इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कैसे. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ये बोलता है कि दे सो पीटी वाइल वी वो सीटिंग ऑन द ट्रेन. अभी यहाँ थोड़ा एरर है गाइस, दे सो यहाँ पे हम थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो इधर हम करते हैं दे सो अ पिक्चर. है ना, यहाँ थोड़ा मिस्टेक था, सॉरी. तो दे सो अ पिक्चर, उन्होंने एक पिक्चर देखा वाइल वी वर सीटिंग ऑन द ट्रेन, जब ही हम लोग कहाँ थे, ट्रेन में थे. तो यहाँ क्या हुआ, पिक्चर का देखना हुआ और ट्रेन में हम बैठे थे, तो हमने क्या किया, सेम एग्जैक्ट टाइम पर ट्रेन चल रही है, हम लोग बैठे हुए और हमारा ध्यान किसे, पिक्चर की ओर गया जो ट्रेन में ही कहीं लगी हुई होंगी. वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, आई होप दिस इज क्लियर गाइज नाउ. सो सेकेंड, माई फ्रेंड कैम, मेरा फ्रेंड आया. ओके, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई. वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, मेरा फ्रेंड आया जब मैं टीवी देख रही थी. क्लियर? तो क्या हुआ, एक कंडीशन हुआ कि मेरा फ्रेंड आया, दूसरी कंडीशन ये हुई कि जब आप क्या कर रहे थे, जब आप टीवी देख रहे थे. ओके, वैसे ही थर्ड सेंटेंस आप देख सकते हो, वी विल बी इन मुंबई नेक्स्ट वीक. आपने कहा कि हम नेक्स्ट वीक में कहाँ होंगे, मुंबई में होंगे. सो नेक्स्ट को हम लोग बना रहे एक और सेंटेंस, इसलिए कॉमे से हमने इसको बनाया, कॉमा लगाया. आई होप टू सी सीमा, हमने ये बोला है कि वी विल बी इन मुंबई नेक्स्ट मंथ, हम लोग नेक्स्ट मंथ में मुंबई होंगे. और आई होप टू सी सीमा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं सीमा को देखूंगी. वाइल वी वर देयर, देखो आप यहाँ फोकस करना, while we are there. तो अभी क्या हुआ, इस सेंटेंस में बिल्कुल ब्रह्मास्त्र छुपा हुआ है. इसमें आप वो क्लियर करोगे जो आपने पहले कभी नहीं सीखा, जो पहले कभी नहीं जाना. देखो इसमें गाइस, फर्स्ट सेंटेंस जब हमने देखा कि वी विल बी इन मुंबई नेक्स्ट मंथ, ये तो फ्यूचर की कंडीशन है. अब देखो आई होप टू सी सीमा, ये प्रेजेंट सिंपल की कंडीशन है. ओके, बीच में हमने लगाया हुआ है एक प्रीपोजिशन जिसका नाम वाइल है. देन एक और सेंटेंस हमने पीछे लिखा है वी आर देयर. तो जब भी हम लोग गाइस क्या इस्तेमाल करते हैं, वाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो पीछे वाला जो अभी फॉर्म है, जब हमने आगे फ्यूचर का सेंटेंस बोला है कि वी विल बी इन मुंबई नेक्स्ट मंथ, तो क्या हुआ, जब आप आगे फर्स्ट में ही फ्यूचर के सेंस में बात करते हो, एंड देन आप जानते हो कि फ्यूचर में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ऑफ कोर्स यूज होता है. देन जब हमने बताया
क्या बताया, अपनी स्टेट बताए कि वाइल वी आर देयर, जब हम वहाँ होंगे, मतलब जब वहाँ हम होते हैं तो हम सीमा को देखते हैं, कब, नेक्स्ट वीक में देखेंगे, कब, इन फ्यूचर देखेंगे। तो गाइस जब आप फर्स्ट में फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल करते हो तब आप फिर वाइल प्रीपोजिशन जोड़ रहे हो, तो लास्ट का जो सेंटेंस आप देखोगे वो हमेशा क्या होगा, वो गाइस हमेशा प्रेजेंट में चलेगा, वी आर देयर। यहाँ पे वी वर देयर 101% गलत होगा, वी विल देयर ये भी 101% गलत होगा। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में आपने आगे फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया है। अब आप ऊपर के इन दो एग्जांपल्स को देखो जो हमने प्रीवियस में समझे थे, इनमें क्या था, आगे ही हमने पास्ट सिंपल को डिनोट किया, आगे हमने पास्ट सिंपल को बताया, बताया नहीं, जैसे दे सो अ पिक्चर, ये पास्ट के सेंस में बात थी, फिर माय फ्रेंड केम, ये पास्ट के सेंस में बात थी, तो पीछे भी पास्ट का ही टेंस इस्तेमाल हुआ। बट ये एक रेयर रूल था, कह सकते हो कि कम सिचुएशन में इस्तेमाल होता है बट इस्तेमाल ज़रूर होता है, तो इसको सीखना भी गाइस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये थर्ड वाला इस्तेमाल ज़रूर समझ आया होगा, आई एम सॉरी गाइस, या दिस। तो आज आप लोगों ने ये सीखा इस लेसन में कि तीनों के इस्तेमाल आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे करते हो। एक बार हम लोग समअप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। फोर का इस्तेमाल हमने सीखा जब हम बताते हैं अपना कोई टाइम जो निश्चित नहीं होता, चाहे ईयर, मंथ, वीक्स, कुछ भी आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट वन हमने सीखा ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का इस्तेमाल हमने कब किया, जब कोई घटना घटित होती है। बट यहाँ पर सेंस ये है कि क्या सेंस है गाइस, यू नो ऑफ कोर्स, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको समझ आ गया है। तो देखो इसमें हम लोगों ने क्या किया, सेम थिंग एक साथ घटित नहीं हुई, सेम बात एक साथ नहीं हुई, बट आपने आपका स्टेट रखते हो आप, है ना, आपने आपका स्टेट रखा, क्लियर। जब भी हम लोग वाइल का इस्तेमाल करते हैं तो ये कभी करते हैं, जब दो घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तभी हम लोग वाइल का इस्तेमाल करते हैं। बस एक फ्यूचर वाला जो अभी हमने डिस्कस किया लास्ट में, आप इस सेंस को याद रखिएगा। तो आई होप गाइस आपने मेरे वीडियो को ज़रूर एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो को आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, मैं मिलूंगी आपसे मेरे अनादर वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।